सेक्टर 32 अस्पताल में देर रात इमरजेंसी एरिया में ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड की हत्या के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी की तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार रविवार GMCH 32 में इमरजेंसी में घायल युवक के साथ ज्यादा लोगों को अंदर जाने से रोकने पर कुछ ने सिक्योरिटी गार्ड की इस कदर पिटाई कर दी कि उसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। इलाज के दौरान उसने सोमवार सुबह ही दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान 51 वर्षीय श्याम सुंदर के तौर पर हुई है। पुलिस ने हत्या की धारा 302 के तहत केस दर्ज कर लिया है। राजस्थान से बड़ी खबर, सरकार पर संकट और विधायकों की खरीद फरोख्त की खबरों के बीच आयकर विभाग की 18 जगहों पर छापेमारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी और कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ के घर भी पहुंची इनकम टैक्स की टीम। कई व्यापारी समूह रडार पर। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के अहमदाबाद में सोमवार सुबह भाजपा विधायक देवेंद्र नाथ राय का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। देवेंद्र का शव उनके गांव में रस्सी से लटका हुआ मिला। पश्चिम बंगाल भाजपा इसे हत्या बता रही है। चंडीगढ़ में कोरोना के मामले आने से रुक नहीं रहे हैं। देर रात बापूधाम में फिर एक बुजुर्ग महिला के कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आया है। वो ब्रेस्ट कैंसर से भी पीड़ित हैं। उनके बेटे और पति की रिपोर्ट का इंतजार है। दिल्ली के दरियागंज में बंद पड़े मोहल्ला क्लिनिक में आग लगने से एक शख्स की जलकर मौत हो गई। मरने वाले की पहचान नहीं हो सकी है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।